लिए बेताब हूँ। मैं भी, और उनका एक बेबी भी आ रहा है। हाँ, हमारा प्यारा सा कजिन जोड़ी। तुम्हें वो दिखे क्या? बोलो ना मोगली। सॉरी हीटर, नहीं देखा। इतने दिनों के बाद अनाली और पाशा के आने की हमें बहुत खुशी है, इसलिए हम उनके लिए फल इकट्ठा कर रहे हैं। पर मुझे अब फिक्र हो रही है, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। वही तो, मैं जल्दी से जाता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। तब तक आप जश्न की तैयारियाँ करो। ओह शुक्रिया मोगली। अगर मैं खाती होता तो मैं कहाँ जाता? वो रहे वहाँ कीचड़ में। ओहो, पर ये कीचड़ में क्या कर रहे हैं? अरे तुम कहाँ से टपक पड़े? दासी, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैंने अभी अभी हाथी के रिश्तेदारों को देखा और मुझे लगता है वो मुसीबत में है। क्या तुम ये बात जाकर हाथी को बता सकती हो? पहले बताओ इस पेड़ पर कोई फल है? हाँ, हाथी और गजनी के पास बहुत सारे फल हैं। वो तुम्हें कुछ दे देंगे, पर हाथी को ये खबर दो कि उसके रिश्तेदार कीचड़ में हैं और शायद वो मुसीबत में हैं। अब जल्दी जाओ टासी। टासी, ये बहुत जरूरी है। अरे हाँ, माफ करना, मैं अभी गई और अभी आई। बात याद रखना बस। हेलो, आराम से। अनाली, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम मेरा नाम जानते हो? हाथी और गजनी ने मुझे तुम्हें उनके यहाँ का रास्ता दिखाने भेजा है। दरअसल हमारा बेटा रूडी कहीं गायब हो गया है। अरे नहीं, उसे घूमना पसंद है। घूमते घूमते न जाने वो कहाँ चला गया। वो इस कीचड़ में गया था, पर यहाँ इतनी दलदल है और भारी होने की वजह से आगे नहीं जा सकते। मैं भारी नहीं हूँ, मैं उसे ढूंढता हूँ। मैं इस दलदल से निपटना बहुत अच्छे से जानता हूँ। थोड़ा जल्दी जाओ, मुझे फिक्र हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हेलो हाथी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे फल हैं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ, मोगली ने कहा मुझे तुम्हें फल देने चाहिए। ये तो रूठी है।
भरोसा रखना होगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अरे ये कौन है? ये जकाला है। तुम दोनों मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? अब हम क्या करेंगे? पापा, सभी मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर बड़ा जश्न मनाने वाले हैं।